प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपना नौवां पाठ बादल को पढ़ लिया है। हमने उसके सारे प्रश्न उत्तर कर दिए, अभ्यास प्रश्नों को भी कर दिया, और आपने जो उसके क्रियाकलाप के प्रश्न थे, जो अब करने की बारी, उसकी कविता को याद कर दिया होगा, और आपने जो जल चक्र के बारे में भी समझ लिया होगा। तो कविता तो कविता, हमें बादल के बारे में भी अब ज्ञान हो चुका है कि बादल भी जल चक्र का हिस्सा होता है, और इस कारण से हमें वर्षा मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा 10वां पाठ से पहले आपने देखा होगा, एक बड़ी सुंदर सी चित्रकथा दी गई। चित्रकथा का अर्थ होता है, इसमें कहानी हमें चित्रों की मदद से और शब्दों की सहायता से बताया गया। जैसे कि आपने कॉमिक्स में पढ़ा होगा, और ये बहुत रोचक होता है क्योंकि कहानी के साथ साथ हमें चित्र भी देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा पहले हम इसे कर लें, फिर हम अपने 10वें पाठ की तरफ, जो कि है सुंदर बदली। ये भी बादल पे ही आधारित एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे। तो पहले हमारी चित्रकथा रहेगी। चित्रकथा का है अपना अपना काम। तो शुरू करते हैं हमारी चित्रकथा। आप अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसको खोल लें ताकि आपको चित्र दिखे, और एक कहानी आपको रोचक लगेगी जब आप चित्रों के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो हम पहले देखते हैं, इसमें दिया है, जल्दी जल्दी सामान बटोरता हूँ। एक चित्र दिया गया है, उसमें एक गधा है, एक कुत्ता है और एक व्यक्ति है। वह जल्दी जल्दी सामान किसी घर से बटोरना मतलब जमा कर रहा है। कुत्ते भाई, तुम भौंकते क्यों नहीं? चोर घर का सामान लिए जा रहा है। तो दोनों, जो गधा था वो कुत्ते को बोलता है कि आपका काम भौंकने का है, आप भौंकिए। देख नहीं रहे हो कि जो चोर है वो घर का सामान चुरा रहा है, लेके जा रहा है। मुझे क्या जरूरत है? इतने समय में तो मैं रात रात जागकर पहरेदारी करता हूँ, पर यह धोबी भरपेट भोजन खाने तक नहीं देता। तो कुत्ते ने अपना दर्द बताया कि मैं तो रात भर जागता हूँ और घर की रखवाली करता हूँ, चौकीदारी पहरेदारी करता हूँ, और मेरे जो मालिक है, जो कि धोबी है, वो मुझे भरपेट खाने को भी नहीं देता है, तो इसलिए मैं भोकूंगा नहीं। तुम बड़े नमक हराम हो, समय पड़ने पर मालिक की सेवा भी नहीं करना चाहते। पर न सही, मैं ही बोलकर मालिक को जगाता हूँ। तो गधे ने कहा कि नमक हराम मतलब जो किसी के खाए का कर्ज ना चुका पाए। जैसे इसमें कुत्ता क्या था, अपने मालिक के घर रहता था, खाना उनका दिया खाना खाता था, और कहा जाता है कि व्यक्ति जिसका खाना खाता है उसके प्रति उसकी वफादारी होनी चाहिए, लेकिन कुत्ता वफादारी नहीं करता है, तो इसे नमक हराम बोलते हैं। जो तो फिर क्या हुआ कि समय पड़ने पर अपने तो मालिक की सेवा नहीं, यहाँ पे सेवा करने का क्या अर्थ है कि आपको अपने मालिक को जगाना था ताकि घर पे जो चोर आया है वो चोरी करके घर का सामान ना ले जाए। उसके बाद गधे ने मालिक को जगाना शुरू कर दिया। कैसे, हमें पता है, ढेंचू ढेंचू, जो गधा होता है उसकी आवाज़ ढेंचू ढेंचू करके ही निकलती है, और उसने बड़ी जोर से रात को चिल्लाया, आधी रात को नींद खराब कर दी इस गधे ने, रेख रेख कर। अभी मजा चखाता हूँ। रेख रेख कर का अर्थ है घोड़े की जो बोली है उसे रेखना बोलते हैं, और आवाज कैसे आती है, ढेंचू ढेंचू। तो हमने जाना पशुओं की जो है बोलियों का भी हमें पता चला, गधा रेखता है। तो हमने देखा कि जो उन दोनों का मालिक, कुत्ते का और गधे का,
वो उसकी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि आधी रात को गधा जोर से चिल्लाता है ढेंचू नेचू, या कहते हैं हम कहेंगे गधा रेंकने लगा। इस कारण से धोबी की नींद खुल गई और वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मैं देखो चित्र में दिया हुआ है, धोबी उठ के बैठ रहा है और आंख मल रहा है क्योंकि वो नींद में था, और उसके साथ में बगल में एक बड़ा सा डंडा भी रखा हुआ है, और अभी जो है धोबी को पता नहीं है कि गधे ने उसको जगाने के लिए, उसको बताने के लिए कि आपके घर में चोरी हो रही है, इसीलिए आवाज़ लगाई थी। गधे का कोई उद्देश्य नहीं था कि वह धोबी को तंग करे, रात को उसको नींद से जगा दे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। अरे क्यों रे, क्यों चीख चीख कर घर सिर पर उठा रहा है, रात को भी चैन नहीं है तुझे? तो हम देखते हैं कि धोबी ने बड़ी जोर से डंडा गधे के गर्दन पे मारा है, देखो चित्र पे। तो चित्र कथा के यही होता है, असली मजा क्या होता है कि हम देख रहे हैं उसको मारते हुए, कहाँ पे मारते हुए, ये बात ये लिखा नहीं है, लेकिन हम चित्र से देख के पता कर रहे हैं। और गधा रो रहा है, आप देख रहे हो गधे की आंख से आंसू निकल रहे हैं, ये बात लिखी नहीं, हमने चित्र कथा से देख के जानी है। क्यों रे, क्यों चीख चीख कर घर सिर पर उठा रहा है, रात को भी चैन नहीं है तुझे? तो उसके मालिक ने, धोबी जो था, गधे का मालिक और कुत्ते का मालिक, हम कहेंगे दोनों का जो मालिक था वो धोबी, उसने गुस्से में अपने धोबी को, अपने गधे को मारा, क्योंकि तो गधा ही शोर कर रहा था, कुत्ता नहीं, और उसे लगा कि इसने रात को हमारी नींद खराब कर दी है, रात को तो कम से कम इसको चिल्लाना नहीं था। और गधे की आवाज़ आपको पता है बच्चों, बड़ी कर्कश होती है, सुनने में बहुत ख़राब लगती है, वो भी रात को, अगर आधी रात को सुनी जाए तो लोगों की नींद खराब हो जाती है। अब उसके बाद देखो गधा गिर गया है और बड़ा दुखी है, रो रहा है। क्यों, अब मजा आया दूसरों का काम, दूसरों के काम में टांग अड़ाने पर? कुत्ता उसको समझाता है कि देखा ये काम मेरा था। कुत्ते का क्या फर्ज होता है कि घर की रखवाली कर रहे हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि आप अपने मालिक को बताओ, भौंक करके बताओ, उसको जगाओ। तो दूसरे की एक तरह से देखा जाए तो गधे ने एक अच्छा ही काम किया था, लेकिन वो काम उसका नहीं था, ये काम किसका था, कुत्ते का था। अगर कुत्ता भौंकता तो मालिक को समझ आ जाता कि जरूर कोई बात है, क्योंकि कुत्ते का क्या काम है, रखवाली करना, पहरेदारी करना। तो मालिक को पता चल जाता कि ये जो कुत्ता रात को भौंक रहा है सचमुच ये मुझे सावधान कर रहा है। लेकिन गधा अगर रात को भौंक, रात को रेंकने लगेगा, ढेंचू ढेंचू करने लगेगा, तो मालिक को ये बात नहीं समझ आएगी। तो इस कारण से धोबी ने गधे की पिटाई कर दी, और गधा गधा अच्छा काम करते हुए भी, हम कहेंगे गधे ने कोई बुरा काम नहीं किया था, उसने अपने मालिक को आगाह किया था कि घर में चोरी हो रही है, आप जाग जाइए, लेकिन मालिक ने उसकी बात ना सुनी। आखिरी में देखिए गधा क्या कह रहा है, हाय हाय मर गया, उसको बहुत चोट लगी है, उसके मालिक ने बहुत पीटा है, तो एक तरह से उसको सजा मिल गई है। किस चीज की सजा मिल गई है, अपना अपना काम ना करने की। इस चित्रकला का, इस चित्र कथा का नाम है अपना अपना काम। तो सबका काम हमें पता है, जैसे बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ना और खेलना, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को केवल अपना ही काम करना चाहिए, कोई ऐसे दूसरे खतरनाक कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। कुछ बच्चे अकेले घर में कुछ बनाने लगते हैं तो ये गलत काम है, किचन में घुस के चाकू से कोई चीज़ काटना ये आपका काम नहीं है, आपको चोट लग सकती है, आपका काम जो है आपको उसे ही करना चाहिए। हाँ अगर आप करना ही चाहते हो किचन में काम, कुछ बनाना ही चाहते हो,
तो अपने बड़ों की, अपनी मम्मी की निगरानी में ही आप कर सकते हैं। वही आपको बताएंगे आपका कहाँ तक काम है, आपको क्या करना है, ना कि हर काम में आपका करने की कोशिश करो। आपका काम पढ़ना और खेलना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो यही बताया गया है। हम कहेंगे इस चित्रकथा का जो है हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें अपना ही काम करना चाहिए। हमें दूसरों के, जैसे कि इस कुत्ते ने बताया, जब गधे की पिटाई हो गई थी तो इस कुत्ते ने बताया कि दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपना ही काम करना चाहिए, दूसरे का नहीं। ये काम किसका था बच्चों? अगर घर में चोरी हो रही हो रात को, तो इसमें कुत्ते का ही काम था। कुत्ता अपने मालिक को भौंक करके जगा सकता था, लेकिन गधे ने उसको डांटा और उसका काम खुद करने लगा, तो यहाँ गड़बड़ी हुई। तो सीख हमें मिली, और सबसे पहली बात, चित्रकथा का मज़ा क्या होता है, चित्र देख के आता है। इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग होता है और चित्र से ही हमें पता चल जाता है। कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे ही शुरू होता है हमें चोर चोरी करता हुआ दिख रहा है, और उसको कुत्ता और गधा ध्यान से देख रहे हैं कि ये तो मालिक नहीं है। रात को, इतनी रात को एक घर में से जल्दी जल्दी सामान बटोर रहा है। चोर भी बोल रहा है कि मैं जल्दी से सामान बटोर लेता हूँ। बटोरना मतलब जमा करना, सामान बटोर रहा हूँ। बटोरना का अर्थ होता है जमा करना। फिर क्या हुआ, हमने देखा कुत्ता अपने मालिक से नाराज था। उसके नाराज होने का क्या कारण था? वह कहता था कि मैं तो दिन भर पहरेदारी करता हूँ, दिन रात पहरेदारी घर की करता हूँ, लेकिन मेरा मालिक मेरे को खाने को भी नहीं देता है, कम देता है, मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता है। इस कारण से मैं अब जो अपना फ़र्ज़ है घर की रखवाली का, मैं वह नहीं करूँगा। मैं भूखूँगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं भूखूँगा तो मालिक जग जाएंगे और चोर पकड़ा जाएगा। तो कुत्ता अपने मालिक से नाराज था, इससे हमें पता चलता है। तो ये दोनों के बीच की बात से हमें पता चला कि कुत्ता मालिक से नाराज था, लेकिन जो गधा था वो अपने मालिक, उनका मालिक कौन था? धोबी था। वो नाराज नहीं था, वह जानता था कि इस समय उनका फर्ज है कि वे अपने मालिक धोबी को जगा दें, ताकि घर में जो चोरी हो रही है वो ना हो पाए। इसीलिए उसने कुत्ते को समझाया कि समय पड़ने पर मालिक की सेवा भी नहीं करना चाहते, पर न सही, मैं ही बोलकर मालिक को जगाता। उसने कुत्ते को कहा कि अब तो आपकी यही तो सबसे ज़रूरी काम था, पहरेदारी आपने की, चलो वो ठीक है, लेकिन इस समय आपको अपने मालिक को जगाने का फ़र्ज था, और यह फ़र्ज़ गधा निभाने लगा, तो यहीं गधे ने गलती कर दी। गधे को, कुत्ते को ही समझाना था कि आप ही भोगी, ये आपका काम है, लेकिन उसने उसको ना समझाकर उसका काम खुद अपने हाथ से ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, और उसने गधे को, अरे उसने ही ढेंचू ढेंचू करके रेखना शुरू कर दिया। रेखना गधे की बोली कहलाती, जैसे शेर की बोली है दहाड़ना। शेर दहाड़ता है, गधा रेखता है, मुर्गा भांग देता है, तो ये मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। तो ये पशुओं की जो है बोलियाँ हमें पता होनी चाहिए। तो गधा रेखता है, एक नया शब्द हम जाने हैं कि गधे के बोलने के ढंग को या उसकी बोली को रेखना कहते हैं। और रेखने की आवाज़ कैसे होती है? आवाज़ अलग है, बोली अलग है, आवाज़ अलग है। आवाज़ क्या आती है? ढेंचू ढेंचू। आवाज़ कैसी आती है? ढेंचू ढेंचू। और एक गधे की आवाज़ बच्चों बहुत कर्कश होती है, सुनने में किसी को पसंद नहीं आती। और रात को, आधी रात को सोचो, अगर गधा जोर से चिल्ला रहा है तो उसके मालिक की नींद खुल गई होगी, और इतनी जोर से चिल्लाने के कारण मालिक को बड़ा गुस्सा आया होगा कि रात को भी मेरा गधा जो है मुझे चैन से नहीं सोने दे रहा है।
क्योंकि मालिक को नहीं पता है कि गधा उनको सावधान कर रहा है। सावधान करने का काम तो कुत्ते का था, कुत्ते घर की पहरेदारी करता है और ज़रूरत पड़ने पर भौंक करके चोरों को भगाता है या फिर अपने मालिक को बताता है या सावधान करता है। तो इस पाठ से हमने ये जाना कि हमें अपना अपना ही काम करना चाहिए, हमें किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए या दूसरे के काम को खुद करने नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो बच्चों के लिए एक मैंने अच्छा सीख दिया है कि कभी कभी घर में अकेले बच्चे किचन में चाकू से कभी फल को काटने लगते हैं या फिर खुद का खुद कुछ बनाने लगते, चाहे वो नूडल्स हो चाय हो, ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। इससे हाथ जलने का, आग लगने का खतरा होता है, डर होता है। इसीलिए जिसका जो काम है उसी को आप किचन में काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी मम्मी की, माता पिता की निगरानी में, अकेले नहीं। तो ये था अपना अपना कार्य का सीख। बच्चों का काम होता है खेलना और पढ़ना या पढ़ना और खेलना, आपको उसी पे ध्यान देना है। तो ये था हमारा चित्र कथा। ये भले कर परीक्षा में नहीं आएगा लेकिन हमें बड़ी अच्छी सीख मिली है इससे, हमें एक बहुत अच्छी सीख मिली है और हम इस सीख को हमेशा याद रखेंगे। अब चलेंगे हम अपने 10वें पाठ की ओर। ये है बादल, ये भी बादल से ही जुड़ा हुआ। इससे पहले हमने 9वां पाठ बादल पे एक कविता पढ़ी थी, अब हम 10वें पाठ में ये भी बदली, छोटे बादल को बदली कहा जाता है, उस पर एक छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ेंगे सीखेंगे। तो ये चित्रकथा खत्म होती है, हम आज से अपना 10वां पाठ शुरू करेंगे। पाठ 10, सुंदर बंगले। सुंदर बदले, तो इसके अंदर ये बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी है, लघु कथा ही हम कहेंगे, और ये भी सीख देती है। जैसे अभी हमने एक चित्र कथा से सीख ली, इससे भी हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो आपने देखा होगा, आपने दर्पण देखा होगा, मिरर, जिसे इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं, और खासकर जो हर कोई दर्पण का तो हर कोई प्रयोग करता है, जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं दर्पण को ज़्यादा देखती हैं और अपने आप को संवारने में भी दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कंघी करते समय हम कैसे लग रहे हैं, कपड़े में हम कैसे दिख रहे हैं, हर कोई को जानने की इच्छा होती है, और इस कारण से शायद लोग अपने आप को इसीलिए संवारते भी हैं। हर जीव की अपनी इच्छा होती है कि वह सुंदर दिखे, लगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं। हमें सुंदर दिखने का एक, हम कहेंगे, एक मन में भावना होती है, चाहे कोई भी जीव हो वो अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखना चाहते, ये सच्चाई है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसीलिए जब आप स्कूल चलते हो तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी आपकी कंघी करती हैं, आपके कपड़े ठीक ढंग से हैं कि नहीं उसको भी, उस पर भी ध्यान देती हैं। तो ये यही बात थी एक सुंदर बदली के बारे में। बदली होता है बादल का छोटा टुकड़ा, और बदली को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बदली को स्त्रीलिंग मानते हैं, तो उसे भी बड़ी चिंता होती थी
कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ और मैं कैसे लगती हूँ और उसको भी एक आकर्षण था। और बादल दर्पण तो देख सकते नहीं, वे कहाँ जाते थे? नदियों के ऊपर, तालाबों के ऊपर, पानी के ऊपर। हम जानते हैं हमें शेडो दिखती है, प्रतिबिंब हिंदी में कहा जाता है। तो बदली नदियों से और तालाबों से अपनी छवि देखकर दर्पण का काम करती थी और बड़ी खुश होती थी। तो अब हम जरा इसको पाठ को देखते हैं कि व्यक्ति सुंदर कैसे लग सकता है। तो दो तरह से सुंदरता इसमें बताई गई है पाठ में। पहली सुंदरता बताई है देखने में रूप रंग, और दूसरी तरह का बताया है कि आपका काम कैसा है, आप क्या सचमुच स्वार्थी हैं, अपने लिए सारे काम करते हैं कि दूसरों के लिए। तो व्यक्ति दो तरह से सुंदर हो सकता है इस पाठ में हमें बताया गया है। एक तो अपने रूप रंग से और दूसरा है अपने काम से। आपने भी देखा होगा कि जो शिक्षक हैं या कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके घर वाले हैं, वो आपके काम से भी आपकी तुलना करते हैं। तो केवल बाहरी रूप रंग, चमक दमक यही जरूरी नहीं, हमें अपने काम से भी दुनिया में या हम खुद सुंदर बन सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी कोई अच्छा काम किया है तो घर वाले, पड़ोसी, टीचर आपको शाबाशी देते हैं। तो एक ये हम कहेंगे ये भी एक सुंदरता होगी, हमारा काम भी सुंदर होना चाहिए। तो केवल रूप रंग ही सुंदर नहीं, हमें अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काम की सुंदरता है उसको हर कोई पसंद करता है। तो यही बात इस पाठ में बताया गया, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। हमारा 10वां पाठ है सुंदर बदली। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। हम जानते हैं सुंदर बदली एक छोटा बादल का टुकड़ा होता है, और हर छोटी चीज़ आप देखोगे, बच्चों को देखो, चाहे किसी जानवर के बच्चों को देखो या कोई छोटे पौधे को देखो, कोई भी छोटा जीव सुंदर और आकर्षक होता है। फिर क्या हुआ, और बादल हम पता है हवा की मदद से इधर उधर जाते हैं, आकाश में उड़ते हैं। नीचे मैदान में बच्चे खेलते, बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे, देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। वो बादल हवा के साथ इधर उधर जा रहा था, और बच्चों की नज़र इस सुंदर सी बदली पे पड़ती है और वे खुश हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि वह देखो वह जा रही है सुंदर सी बदली। तो बदली ये बात सुनती है, शायद उसको क्या होता है, उसको खुशी होती है। अगर कोई आपकी तारीफ करे, कोई भी, चाहे पड़ोसी तारीफ करे, टीचर तारीफ करे, आपके भाई बहन तारीफ करे, आपको खुशी तो जरूर होती है। उसी तरह बदली भी खुश हो गई कि देखो ये बच्चे झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, वे मेरे रूप रंग से प्रभावित हैं और मुझे सुंदर बोल रहे हैं। इसीलिए बदली ने सुना तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? जब उसने बच्चों को बातें करते हुए सुना कि बच्चे उसको सुंदर बोल रहे हैं, तो उसको खुशी हुई। लेकिन उसने सोचा, चलो किसी से पूछ ही लिया जाए, ये तो बच्चे हैं, क्या पता ये सच ना बोल रहे हों, या उनको पता ना हो, बच्चों को पता ना हो सुंदर क्या होता है। तो उसने हवा से ही पूछा, क्योंकि हवा बादल के ही साथ थी, बादल हवा की मदद से ही इधर उधर जा रही थी, तो सबसे पहला साथी बादल ही, हवा ही था। तो बादल ने उससे पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? यह प्रश्न किसने किया? बदली ने। किससे किया? बादल से। वो जानना चाहती है कि क्या बच्चे सचमुच बोल रहे हैं, कहीं बच्चे नादान तो नहीं, क्या बच्चों को पता तो नहीं है। तो उसी ने यही प्रश्न हवा से कहा कि क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? फिर हवा ने कहा, हाँ तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली।
तो हवा ने भी जवाब दिया कि आपसे बच्चे भी सही बोल रहे हैं, आप सचमुच बहुत सुंदर हो। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। तो बादल ने कहा कि चलो, अब बादल के लिए तो आईना होता नहीं जैसे हमारे घरों में होता है। तो वो कहा क्या बोली कि चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है। तो बादलों का दर्पण होता है तालाब, नदियाँ, झील, समुद्र, तो ये सब होते हैं। यहाँ पे उनकी परछाइयाँ आपने भी देखी होगी। अगर किसी आप तालाब में या एक बाल्टी पानी में भी आप देखोगे और पानी हिल ना रहा हो, तो आपको बादल, जो बादल है उसकी छवि दिखाई देगी, शेडो। छवि का अर्थ होता है शेडो। फिर तो बादल ने कहा चलो, जब ये बात मैं पता कर लेती हूँ, मुझे बच्चे भी सुंदर बोल रहे हैं, मुझे हवा ने भी बोला कि आप सुंदर हैं, तो मेरा काम है कि एक बार दर्पण में किसी तालाब में जाती हूँ और देख लेते हैं। अब उसे तो भरोसा ही था कि मैं सुंदर हूँ, बस वो खुद, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को बिना दर्पण के नहीं देख सकता, ये आप जानते ही। अगर हमारे पास दर्पण ना हो तो हम खुद को नहीं देख सकते, अपने चेहरे को नहीं देख सकते। इसीलिए जब हम बाल बनाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, तो हमें दर्पण की मदद लेनी ही पड़ती है। तो अब दर्पण को की मदद के लिए क्या हुआ, हवा ने उसे एक तालाब के ऊपर ले गई। तो हवा के साथ दोनों साथी थे, दोस्त थे, वे उसको एक तालाब की ओर ले गई, ताकि तालाब में उसको जो बदली है अपनी परछाई को देख के अपनी सुंदरता का पता लगा सके। परछाई जो होती है, आपने जरूर देखा होगा, एक छोटे से बाल्टी के में भी जो अगर किसी पानी पे परछाई बन सकती है, तालाब के ऊपर बन सकती है, नदी के ऊपर बन सकती है, पानी जरा शांत होना चाहिए। अगर पानी हिल रहा हो बड़ी तेजी से, तो हमें अपनी परछाई या बादलों की, आसमान की परछाई नहीं दिखेगी। तो बदली ने हवा से कहा चलो भाई, मुझे ले चलो किसी तालाब पे ही ले चलो, मैं वहाँ पे अपने आप को देखूंगी और पता लगाऊंगी कि जो बच्चे और आप जो मुझे बोल रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, तो ये सही है कि नहीं। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था, बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। तो यहाँ पे हवा ने बदली की मदद की, वे उसे एक तालाब के ले गई। चलो भाई, आप खुद देख लीजिए कि आप सुंदर हैं कि नहीं। वे ले गई, फिर क्या हुआ, वहाँ पे जब दोनों पहुँचे तो उन्होंने देखा, अरे तालाब तो पूरा सूखा हुआ। अगर तालाब में पानी ना हो तो पूरी जमीन दिखती है, और उसमें दर्पण की तरह नहीं देखा जा सकता। तो दोनों दुखी हुए, बदली भी और हैरान भी हुए, अरे पानी तो है नहीं इसमें, हमारा वहाँ पे जाना, तालाब के पास जाना तो व्यर्थ गया, अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा अपना चेहरा देखने के लिए, क्योंकि भाई जल में ही, पानी में ही दर्पण की तरह देखा जा सकता है, धरती पे तो नहीं देख सकते हम। धरती पे क्या हम दर्पण की तरह देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो दोनों ने कहा कि अरे हमारा जाना तो व्यर्थ हो गया, बेकार गया, हम लोग मेहनत करके वहाँ पहुँचे लेकिन तालाब में पानी ही नहीं है, और पानी नहीं तो दिखेगा नहीं। तो ये था अभी तक का कहानी और बच्चों बड़ी है, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ आगे इसे हम जानेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो बदली थी उसको बच्चों ने सुंदर कहा, यहाँ तक कि बदली को बादलों ने भी सुंदर, हवा ने सुंदर कहा, और इसी सुंदरता का पता लगाने के लिए वह एक तालाब के पास पहुँची, लेकिन बदकिस्मती से तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं था, तालाब सूखा था, और उसे पता न चला कि वह सचमुच सुंदर है कि नहीं। तो शेष जो भाग है वो हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।